मैडम, आज यहाँ जो ये मिशन जय भीम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये बहुत ही अच्छा है, ये हमारे समाज को, जो हमारा समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, सबको जोड़ने का मिशन है, एकता का मिशन है, समाज को ऊपर उठाने का मिशन है, शिक्षा को आगे बढ़ाने का मिशन है। इस मिशन से हमारे समाज को बहुत फायदा होगा। आपको क्या लगता है, क्या मिशन से वाकई में समाज में जागृति आएगी? बहुत जल्दी आएगी, इस मिशन के द्वारा बहुत जल्दी जागृति आएगी और सभी को, जो जाति का वो जो मन में भेद भरा हुआ है ना कि इस जाति से, वो मन का भ्रम छूटेगा उनका बहुत अच्छे, और ये मिशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे जुड़ते जाएंगे सभी, तो समाज के लिए बहुत अच्छा है। मैडम, आज महिलाओं को लेकर एक मानसिकता लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि देश तो पुरुष प्रधान है, महिलाएं कितनी पढ़ लिख ले, महिलाओं का काम सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित है, और हर बार शोषण का जो सामना है वो भी महिलाओं को करना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जो ये सोच है ये पुरुषवादी सोच है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसमें जो हिंदू कोड बिल है उसके तहत हमारा संविधान चलता है, और हर एक नारी को अधिकार दिए हैं, और उस अधिकार के चलते नारी आज सशक्त भी हुई है, नारी पायलट भी है, शिक्षक भी है, घर भी चला रही है और बाहर भी अपने कार्य को कुशलता रूप से कर पा रही है। आपको क्या लगता है, महिलाओं के हक में कोई अलग से कानून बनना चाहिए? देखिए, कानून तो बाबा साहब ने बनाए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कानून लागू किए जा रहे हैं ना, वो हाथ ही कमज़ोर हैं, जो कानून को ठीक से लागू ही नहीं कर पा रहे। जिस दिन भारत का कानून ठीक से लागू हो जाएगा, उस दिन ये भारत की जो सूरत है वो ही कुछ और देखने को होगी। बिल्कुल जी, ये तो मान। मैडम, लगातार दलित समाज की बेटियों के साथ नए नए बलात्कार के केस सामने आते जा रहे हैं, आपने देखा नांगल में, उसके बाद फिर एक 6 साल की बच्ची, आखिर क्यों ऐसा होता है कि दलित समाज की बेटियों को ही टारगेट बनाया जाता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, दलित समाज की बेटियों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, और इसमें प्रत्यक्ष दर्शी हम सभी लोग रहे, आप सबकी टीम भी वहाँ पे रही, और काफ़ी सारा समाज वहाँ पे इकट्ठा था। देश की बेटी का मुद्दा करके हम चीख तो रहे थे, लेकिन वहाँ देश इकट्ठा नहीं हुआ था, जबकि उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद वो देश इकट्ठा वहाँ पे हो जाए, लेकिन उस संख्या में, जिस संख्या में हमने सोचा था, उस संख्या में हमारा देश वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ था, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था, मान सकते हैं जी, और प्रियंका रेड्डी के मामले में हुआ था, लेकिन इन बच्चों के मामले में ऐसे हमारा देश इकट्ठा नहीं हुआ था। क्यों ना माना जाए कि दलित की बेटियों को अलग नज़र से देखा जाता है, उनके लिए न्याय की परिभाषा ही अलग हो जाती है। तो पूनम जी, जैसा कि ये मिशन जय भीम की क्रांति जो देश में छेड़ी गई है, आपको क्या लगता है दलित समाज के उत्थान के लिए छेड़ी गई है, दलित समाज का उत्थान वाकई में हो पाएगा? जी, बड़ी संभावना है, एक उम्मीद अच्छी हमने रखी है, और उसी उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं उम्मीद और विश्वास पे दुनिया कायम है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें एक विचार दिया है, उस विचार के चलते ही इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो विचार एक ना एक दिन बहुत सशक्त रूप धारण करेगा, और महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने हमें एक वरदान दिया है, वो वरदान फलीभूत होगा, जिसके लिए आप अभी देख सकते हैं बड़ी भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, और हमारी देखिए महिला शक्ति इस रूप में भी खड़ी है, और इस रूप में भी खड़ी है, और इस रूप में भी खड़ी है, कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में इस मिशन जय भीम के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण को बहुत ही अच्छे रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या बौद्ध धर्म से लोगों की मानसिकता जो अभी इस फिलहाल बनी हुई है वो बदल पाएगी? देखिए, बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, वो अंधविश्वास के ढर्रे पे खड़ा नहीं है। हमारे यहाँ जात में से जात, जात में से जात, जात में से जैसे केली के पात में से पात, पात में से पात निकलती है। बौद्ध का समतावादी है, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, और यहाँ स्वर्ग और नरक के कारण महिला जो है वो पाप के कारण पैदा हुई है, और वो कभी स्वर्ग ही नहीं प्राप्त कर सकती। पर बुद्धिज्म एक है, मैं एक बौद्ध भिक्षुनी बनकर आपके बीच में खड़ी हूँ, क्योंकि बुद्ध ने एक समता और स्वतंत्रता और मैत्री का संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की है, और ऐसा नहीं कि पुरुष सब कुछ प्राप्त कर सकता है महिलाएं, और देखो आज बिना विज्ञान से कुछ नहीं, ये नहीं कि हमने छुमंतर करने से वो पैदा होता, बिना टेक्निकल से हवाई जहाज है या ट्रेन से बैठकर सफर कर रहे हैं या मेट्रो ऊपर से चल रही है, बटन से चल रहा है, ये विज्ञान है। और बुद्ध का तो जो धम्म है विज्ञान पे आधा, हमें विज्ञान की जरूरत है, आप चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, ये विज्ञान के माध्यम से तो आगे गए हैं। चाइना तो कितने जगह कभी तो भूकंप का शिकार होता है, कभी किसी के अटैक का शिकार होता, पर आज भी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हमारे भारत की तरह, और भारत जो है अंधविश्वास के धरने पर चल रहा है, स्त्री पुरुषों में भेद रखना है,
अपने बेटी बहू में भेद रखता है और यहाँ तक कि जात है, अगर कास्टिज्म है, अगर जातिवाद यहाँ खत्म हो, समता स्वतंत्रता आए, तभी इस देश का उत्थान होगा और ये बौद्ध धर्म के माध्यम से हो सकता है।